हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हो विनय टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हाउ टू सेट मूविंग एवरेज इन जीरो द काइट चार्ट। मूविंग एवरेज का सेटिंग कैसे कर सकते हो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप लोगों को गूगल में सर्च करना होगा जीरो द काइट, और ये जो फर्स्ट वेबसाइट है इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। ये जो प्रोसेस मैं बताऊंगा ये सेम प्रोसेस एप्लीकेबल है फॉर मोबाइल ऑल्सो, ठीक है। तो आप लोग अगर मोबाइल में भी सेटिंग करना चाहते हो ये प्रोसेस से आप लोग इजीली सेट कर सकते हो। बस आप लोग को पोर्ट्रेट मोड से लैंडस्केप मोड चेंज करना होगा आपका मोबाइल में, और आप लोग को सब ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो प्रोसेस सब सेम रहेगा। मैं यहाँ पर आप लोग को बताऊँगा कैसे आप लोग सेट कर सकते हो, लाइक 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज, 200 डेज मूविंग एवरेज, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देख सकते हो बहुत सारा स्टॉक का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी एक स्टॉक को ले लीजिएगा, या फिर आप लोग का कोई भी मनपसंद स्टॉक है तो उसको आप लोग ले सकते हो। मैं मान लो जैसे मैं यहाँ पे TCS का ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बाय सेल मार्केट डेप्थ चार्ट। तो यहाँ पे आप लोग को चार्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आप लोग देख सकते हो ये रहा TCS का चार्ट, ठीक है। तो इसका जो डिस्प्ले है वो है होलो कैंडल, ठीक है। तो इसमें कोई भी मूविंग एवरेज नहीं है, तो मैं यहाँ पे आप लोग को सेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा स्टडीज, तो उसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है, और नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। आप लोग कोई भी ऑप्शन चॉइस कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज सेट करके आप लोग को बताऊंगा। तो यहाँ पे सर्च इन स्टडीज़ के ऑप्शन पे आप लोग को सर्च करना है मूविंग एवरेज, और इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पीछे एक लाइन आ चुका है जो कि 50 डेज का मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी कलर सेट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ ब्लू, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो 50 डेज का मूविंग एवरेज ब्लू सेट हो चुका है, और यहाँ पे आप लोग को डन ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो उसी तरह अगर मैं 20 डेज मूविंग एवरेज को सेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे फिर से स्टडीज, देन फिर मूविंग एवरेज, और फिर यहाँ पे आप लोग को 20 सेट करना है, या फिर आप लोग डायरेक्टली ऐसे ऐसे करके सेट कर सकते हो, ठीक है, अप डाउन करके। तो मैं यहाँ पे 20 डेज सेट कर चुका हूँ, और ये रेड कलर का है, ठीक है। तो मैं फिर डाउन ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 20 डेज का मूविंग एवरेज सेट हो चुका है, 50 डेज का सेट हो चुका है। मैं अभी सेट करने जा रहा हूँ 100 डेज का। तो सेम प्रोसेस है, यहाँ पे आप लोग को 100 टाइप करना है, और फिर कलर चेंज करना है सो देट आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सको, ठीक है, और फिर 200 डेज का, और यहाँ पे कलर सेट करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीचे से ब्लू कलर लाइन जो है वो है 200 डेज मूविंग एवरेज का है, फिर 100 डेज मूविंग एवरेज जो कि येलो लाइन है, और फिर ब्लू लाइन जो है 50 डेज मूविंग एवरेज का है, और रेड लाइन जो है 20 डेज मूविंग एवरेज का है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही इजीली तरीके से आप लोग मूविंग एवरेज को सेट कर चुके हो इन जीरो द काइट। तो सेम प्रोसेस है फॉर मोबाइल फ़ोन, अगर आप लोग सेट करना चाहते हो तो सेम प्रोसेस से आप लोग सेट कर सकते हो। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा प्लीज़ टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विनय टेक। थैंक यू।